Let's talk about the villages now. Villages are the small communities or settlements in rural areas. Rural areas are those areas where we grow crops, grains, fruits and vegetables. And villages are smaller than the towns and cities. Villages जो हैं हमारे जो देहात हैं ये हमारे कस्बों से और शहर से छोटे होते हैं and they don't have the facilities like universities, colleges, post offices, zoos, museum, etc. Let's start the reading now. Villages. The population of Pakistan is over 207 million. Pakistan ki jo abadi hai wo 207 million se zyada hai. Out of every 100 people in Pakistan, Pakistan mein har 100 afraad mein se 60 live in villages, 60 afraad gaon mein rehte hain and 40 live in the cities and towns aur 40 afraad jo hain wo shaharon aur kasbon mein abad hain. To know how many people there are in the country, the government carries out a census. ये जानने के लिए कि हमारे मुल्क में कितने अफराद हैं हुकूमत सेंसिस करवाती है. सेंसिस मींस मर्दमशुमारी करवाती है. दिस इज़ अ काउंटिंग एक्सरसाइज. ये अदादोशुमार की मश्क है दैट टेल्स अस जो हमें बताती है हाउ मेनी पीपल देयर आर इन व्हाट एज ग्रुप्स व्हाट वर्क दे डू एक्सेट्रा. ये काउंटिंग एक्सरसाइज जो है ये अदादोशुमार की मश्क हमें बताती है कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं और वो किस उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं और वो क्या काम करते हैं. The census helps the government to plan for the future. और ये जो अदादोशुमार है ये हमारे हकूमत को मदद करता है अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के लिए. हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यू वर्ड आज पढ़ा है जो कि है सेंसिस. सेंसिस का मतलब होता है मर्दमशुमारी. क्या आप मर्दमशुमारी के बारे में जानते हैं? मर्दमशुमारी ये एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में जो हमारी हकूमत है हमारे मुल्क की जो है डिफरेंट किस्म का डाटा कलेक्ट करती है हमारी टोटल आबादी का. जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में टोटल कितने लोग हैं और वो किस उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं और कितने बूढ़े हैं. इसके अलावा इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे मुल्क में क्या लिटरेसी रेट है, कितने बच्चे जो हैं, कितने जवान जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और कितने बच्चे जो हैं वो अभी अनपढ़ हैं और उनके पास ये सहूलियात जो है नहीं पहुँची. इसके अलावा हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की कि हमारे मुल्क में कितने जो लोग हैं, कितने जवान जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो अभी उनको कोई नौकरी नहीं मिली या उनके पास कोई कारोबार नहीं है. इसके अलावा सेंसस हमें हेल्प आउट करता है हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कि हमारे मुल्क में जो भी चीज़ें ईयरली बेसिस पे प्रोड्यूस की जाती हैं, जिनकी प्रोडक्शन की जाती है वो कितना हमारी ज़रूरियात पर पूरा उतरती हैं, हमें उसकी कितनी ज़रूरत और पड़ती है जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ती हैं या वो चीज़ें जिसकी जो प्रोडक्शन है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है हम उसको दूसरी कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ये सारी जो मालूमात हैं ये इस प्रोसेस के थ्रू इकट्ठी की जाती हैं, इस काउंटिंग एक्सरसाइज के थ्रू इकट्ठी की जाती हैं और इस काउंटिंग एक्सरसाइज के ज़रिए जो है हमारी हुकूमत जो है उसको अपने मुस्तकबिल के जो मनसूबाबंदी है उसको करने में मदद मिलती है. लेट्स टॉक अबाउट द विलेज इन पाकिस्तान. हैव यू एवर विजिटेड अ विलेज? क्या आप कोई देहात की सैर कर चुके हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट लाइफ इज़ लाइक देयर, कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है? अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पाकिस्तान इज पाकिस्तान हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ विलेजेस. हियर आई शो यू. This is the picture of a desert village. It is in Pakistan. Desert villages are those villages where people live in small communities or settlements. They make their settlements in that places where they have some source of water nearby. Do you know what is the desert animal? It is camel. Camel जो है उसको desert animal इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो desert में easily जो है वो रह सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर पानी को जो है कई रोज़ तक स्टोर करके रख सकता है. इसके अलावा डेजर्ट के जो लोग हैं उनको वो कैमल को यूज़ करते हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर कैरिंग गुड्स. तो इस हवाले से जो है कैमल जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ विलेज. इट इज़ अ फिशिंग विलेज इन विच पीपल लिव ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड दे अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग. Another type of villages are village in mountains. Villages are on mountains too. Here you can see the picture in which you can see the village in mountain. Now another type of villages are village in plain areas. मैदानी इलाकों में जो देहात होते हैं. As we live in plain Punjab, हम पंजाब में रहते हैं. इसके अलावा भी जो हमारे plain areas हैं आप लोगों को वहाँ पर बहुत से देहात देखने को मिलते हैं. अगर मैं बात करूँ आपकी, अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर तो रास्ते में हमें बहुत से देहात देखने को मिलते हैं. इन देहातों में जो है इनका जो ज़रिया मुआश है आप कह दें वो क्या होता है, ज़रात होता है, खेती बाड़ी होती है. इसके अलावा ये बहुत से जानवर भी पालते हैं जिसमें घोड़े, भेड़, बकरियाँ,
गाय भैंसें वगैरह होती हैं, दे अर्न देयर लिविंग बाय एग्रीकल्चर. लाइफ इन अ विलेज इज सिंपल एंड क्वाइट. अगर हम देहात की ज़िंदगी की बात करें तो देहात की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही सादा और खामोश होती है. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन अ सिटी. शहरी ज़िंदगी से देहाती ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती है. देर आर नॉट सो मैनी पीपल इन अ विलेज. देहातों में ज़्यादा लोग नहीं होते, वहाँ पर बहुत कम रश होता है. आप कह सकते हैं कि सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग रहते हैं. देर इज़ हार्डली एनी ट्रैफिक और बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर कोई ट्रैफिक होती है. वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर हॉर्स कार्ट, डंकी कार्ट, बुलॉक कार्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन हु इज़ वर्किंग इन अ फील्ड. ये एक औरत की तस्वीर है जो कि खेतों में काम कर रही है. ये एक देहात की तस्वीर आपके सामने बनी हुई आप देख सकते हैं. सीरियल्स ग्रेन क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन अराउंड द विलेजेस. सीरियल्स ग्रेन यानी अनाज, क्रॉप्स, फसलें एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां आर ग्रोन अराउंड द विलेजेस. देहातों के गिर्द उगाई जाती हैं. देर आर ऑर्चर्ड्स. ऑर्चर्ड्स कहते हैं बागात को, वेयर फ्रूट इज ग्रोन, जहां पर फल उगाए जाते हैं. कि देहातों में जो है सब्जियां, अनाज, फसलें उगाई जाती हैं. इसके अलावा वहां पर बड़े बड़े बागात होते हैं जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो है फल उगाए जाते हैं. द वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स. देहातों में पानी कहाँ से आता है? देहातों में पानी जो है वो दरियाओं, नहरों और ट्यूबवेल से आता है. दीज आर द वाटर रिसोर्सेज, रिवर, ट्यूबवेल एंड कैनाल. ये वो ज़राए हैं जहाँ से जो है देहातों में पानी हासिल किया जाता है. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स. ज़्यादातर जो देहाती होते हैं वो किसान हैं एंड वर्क इन द फील्ड्स और खेतों में काम करते हैं. इवन द वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्प ऑन द फार्म. यहाँ तक कि जो उनकी औरतें और बच्चे होते हैं वो भी खेतों में मदद देते हैं. सम पीपल मे फाइंड अ जॉब इन अ फैक्ट्री नियर बाय. कुछ लोग जो देहातों के करीब कारखाने हैं वहाँ पर नौकरी करते हैं. सम ऑफ द विलेजर्स हैव स्किल्स टू मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड और मेटल. कुछ देहातियों के पास इस तरह का हुनर होता है कि वो चीज़ें बना सकते हैं लकड़ी से और धातों से. देर आर ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स एंड कोबलर्स एंड देर आर दोज हु कैन बिल्ड हाउसेज. इनमें जो है लोहार, तरखान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मोची और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि घर तमीर कर सकते हैं. एंड मैन प्लोज एंड कार्स और गाड़ियाँ और हल जो हैं उनको मुरम्मत कर सकते हैं. सम पीपल कुछ लोग, मोस्टली वुमेन, ज़्यादातर औरतें मेक थिंग्स, चीज़ें बनाती हैं लाइक बास्केट्स, जैसे कि टोकरियाँ, ऑर्नामेंट्स, जेवर, ब्यूटीफुल शॉल्स, खूबसूरत शॉल ओढ़ने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, एंड कारपेट्स और करीन, एंड डू ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और सकाफती कढ़ाइयाँ करती हैं. इन मोस्ट विलेजेस, ज़्यादातर देहातों में देर इज़ अ मोस्क एंड अ स्मॉल स्कूल. मस्जिद है होती है और छोटे स्कूल होते हैं. द लार्जर विलेजेस हैव अ हाई स्कूल एंड अ पोस्ट ऑफिस एंड सम शॉप्स. वो देहात जो बड़े होते हैं वहाँ पर हाई स्कूल होते हैं, इसके अलावा डाकखाने और कुछ दुकानें भी होती हैं. देर मे बी अ क्लिनिक और डिस्पेंसरी वेयर बेसिक मेडिकल हेल्प इज़ अवेलेबल. इसके अलावा वहाँ पर क्लिनिक और डिस्पेंसरीज भी होती हैं जो कि हमें बुनियादी तिबी मदद देती हैं. बट देर आर नो हॉस्पिटल्स. लेकिन वहाँ पर बाकायदा जो है हस्पताल नहीं होते हैं. देर आर नो लाइब्रेरीज और म्यूजियम इन विलेज. ना ही देहातों में जो है हमें लाइब्रेरी या अजायब घर देखने को मिलते हैं. देर आर नो पार्क्स और जूज आइदर. अगरचे वहाँ पे ना तो पार्क होते हैं और ना ही कोई चिड़ियाघर होते हैं. समटाइम्स बाज़ औक़ात द विलेजर्स कम टुगेदर व्हेन देर इज़ अ फेस्टिवल. जब देहात में कोई त्यौहार होता है तो देहाती जो हैं वो इस त्यौहार के लिए इकट्ठे होते हैं. जब भी देहातों में कोई त्यौहार वगैरह आता है उसको मनाने के लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं. वहाँ पर बाकायदा फेयर लगाए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं और इन त्यौहारों को जो है वो जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है.